नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की ललौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौर्रा कनक गांव में 8 जनवरी की सुबह शौच को गई 17 वर्षीय किशोरी की गला रेतकर हत्या किया हुआ शव मिला था। परिजनों ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा करते हुए मय आला कत्ल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वही पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 8 जनवरी को ललौली थाना क्षेत्र में एक किशोरी की गला रेतकर निर्गम हत्या कर दी गई थी, जो पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। घटना स्थल के निरीक्षण से यह पता चल गया था कि किसी निकट संबंधी का हाथ है। अंत में इसका खुलासा हुआ, उसके सगे भाई का उसमें हाथ था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने स्वीकार किया है कि बच्ची गैर बिरादरी के लड़के से बात करती थी, मना करने पर भी नहीं मानती थी, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। अभियुक्त ने बताया, मैं 6 माह से क्राइम पेट्रोल देखता था, गाँव के लोग मुझे बराबर ताना देते थे कि उसी के तहत यह हत्या हुई है। आला कत्ल बरामद कर लिया गया है, आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, आशुतोष प्रताप सिंह की रिपोर्ट। थाना ललौली क्षेत्र में 8 जनवरी को एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना हुई थी। 17 वर्षीय बच्ची की धारदार हथियार से गला पे वार करके हत्या कर दी गई थी और यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। घटनास्थल के निरीक्षण से पता चल गया था कि निश्चित तौर पर इसमें किसी निकट संबंधी का हाथ है और अंत में इसका खुलासा हुआ, उसके सगे भाई का उसमें हाथ था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसने ये स्वीकार किया कि बच्ची किसी दूसरे से बात करती थी, किसी दूसरे बिरादरी में बात करती थी और मना करने पर यह नहीं मानती थी, इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। हालांकि उसको इस बात का बड़ा पछतावा भी है और ये पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। आला कत्ल बरामद किया जा चुका है। यह क्राइम पेट्रोल देखता था, अभियुक्त ने बताया कि मैं क्राइम पेट्रोल 6 महीने से देख रहा था और गांव के लोग ताना देते थे, तो मैं बड़ा परेशान था और उसी के तहत मेरे द्वारा यह हत्या की गई, जिसका मुझे बहुत पछतावा है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज़।